नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फीमेल कांस्टेबल 2021 का जो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, उससे रिलेटेड एक नया अपडेट आया है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फीमेल SI का आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, तो फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है उस पर एक नया अपडेट आया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ पे मैं तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले जनरल और EWS में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, जिनका SI वालों का रिजल्ट अनाउंस किया गया है। उन बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जनरल के कट ऑफ में और EWS के कट ऑफ में डिफरेंस क्यों नहीं शो कर रहा है, तो क्या ऐसा है कुछ फीमेल कांस्टेबल में भी होने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड डिस्कशन करने वाले हैं हम कट ऑफ कंपैरिजन करेंगे, जो कि 2018 का आप लोगों का फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया था। 2018 में जो आप लोगों का फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट हुआ था उससे और इस साल के फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट जो आने वाले हैं उससे कुछ कंपैरिजन किया जाएगा। और तीसरा आप लोगों को बताया जाएगा कि रिजल्ट जो है आप लोगों का कब घोषित होगा, इस पर भी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले स्टार्टिंग देखते हैं जनरल और EWS में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे आप लोगों को बता दिया जाए कि फीमेल SI वालों का जो अभी रिजल्ट अनाउंस किया गया है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। फीमेल SI वालों का जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है उसमें जो जनरल का कट ऑफ है वो 66.60 रखा, और वहीं पर EWS का कट ऑफ जो है वो 66.60 रखा गया है। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि फीमेल SI में दोनों ही कट ऑफ जो है वो सिमिलर आए हुए हैं। तो इससे क्या लगता है कि आप लोगों को फीमेल कांस्टेबल वालों का भी ऐसा ही होगा? जी नहीं। इसके पहले कि मैं वो बताऊं, उससे पहले एक और देख लेते हैं। ये आया था हमारा, हमने पूरा रिव्यू किया है, ये आया हमारा लोअर क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जब हमने देखा तो जनरल का 93 आए थे लेकिन EWS का 90 कट ऑफ दिया गया था। वैसे ही एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम किया गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसका जो कट ऑफ था जनरल के लिए वो 73 था और जो EWS का था वो 70 था। तो ऐसा नहीं होता है कि हर बार जो है वो आपका EWS और जनरल में जो है वो कट ऑफ क्लैश हो जाए। मतलब ये है कि अगर आप EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर 10% का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई आप लोगों की। तो फीमेल कांस्टेबल में पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ ऐसा ना करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर फीमेल SI वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उनको कट ऑफ को थोड़ा सा कम करके सिलेक्शन किया कर जाना चाहिए था। तो हम उम्मीद करेंगे कि फीमेल कांस्टेबल में ऐसा कुछ ना हो। अब बात करते हैं सेकंड कंपैरिजन के बारे में कि क्या कंपैरिजन होगा इसका, ठीक है? तो देखिए 2018 का कंपैरिजन देख लेते हैं और 2021 का जो आप लोगों का आने वाला है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते थे तो 58 जो था वो हमारा जनरल कैटेगरी में आया था 2018 में, 52.20 हमारा SC कैटेगरी में था, BCA कैटेगरी में जो था वो 54.60 था, BCB कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते थे तो वो 56.60 कट ऑफ आया था। अब बात करते हैं कि जनरल, क्योंकि EWS उस समय नहीं था, EWS 2019 में आया था, ठीक है? तो जनरल में अब 2021 का बात है, इसमें 58 से लेकर 60 क्वेश्चंस तक के आप लोगों के रिजल्ट जो 58-60 के यहाँ पर जो आप लोगों का नंबर जाने वाला है। यहाँ पे 53 से 55 जो है आप लोगों का SC कैटेगरी में आप लोगों का जो है वो होने वाला है कट ऑफ, लगभग इतना आएगा, ठीक है? 55 से लेकर 57 आप लोगों का यहाँ पे इसका कट ऑफ होने वाला है आपके BCA का, और BCB का जो है आपका वो 57 से लेकर 58 तक आपका रहने वाला है। साथ साथ EWS का जो कट ऑफ होने वाला है 2021 में वो भी 57 से लेके 58 तक रहने वाला है। तो ये उम्मीद है हमारी, यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि कुछ डिफरेंस है थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट जो कि रिजल्ट के बारे में कि आप लोग अभी इसलिए ही आप लोगों ने इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो है वो संडे है, तो संडे को उम्मीद थोड़ी सी कम है कि आज अनाउंसमेंट किया जाए, लेकिन अगर आज अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है तो कल के दिन मंडे 1 नवंबर को दिन आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद हो चुकी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से
हमें इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत मिल चुकी है क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, तो उस वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर कल संडे तक अनाउंसमेंट कर देते हैं तो ठीक है, क्योंकि चांसेस कम है संडे के दिन, लेकिन सॉरी आज संडे के दिन चांसेस कम है, लेकिन अगर आज नहीं हुआ तो कल मंडे के दिन आप लोगों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जनरल डब्ल्यूएस का जो प्रॉब्लम हुआ वो आप लोगों को समझ लीजिए कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं और केसेस में ऐसे नहीं इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।